तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे दोस्तों, 20 तारीख 5 महीना 2024 यानी दोस्तों आज की डेट है, और साथ ही में गुड न्यूज के भी आप देख पा रहे हैं। तो सही में गुड न्यूज है, क्योंकि आपको पता है कि जोनल कार्यालय द्वारा निर्देश तत्काल शिफ्ट वार परिचालन शुरू किया गया है दोस्तों। और ये कौन कौन से गुड शिफ्ट पर और कैसे कैसे लागू होने वाले, पूरा प्रोसीजर जो है माननीय अरुण पासवान जी और उन कुछ ऐसे जोनल अधिकारी हैं वहाँ पर दोस्तों, अपने सीनियर अधिकारी को जो है शिफ्टिंग को लेकर और सारे काम को आगे बढ़ाने के लिए जो दिया है दोस्तों, वो नोटिस जो है आप सभी को पूरा लाइव प्रूफ के साथ वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप एक BRMGSS का मेंबर हैं तो वीडियो को स्किप ना करके आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा डिटेल से पता चलने वाली है। हालांकि दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप जो है पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आधा अधूरा जानकारी आपको दोस्तों गुमराह कर सकता है या फिर नेगेटिव की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोटिस जो भारतीय रेलवे मंडल श्रमिक संघ का है, और ये दोस्तों 19 तारीख की अपडेट है, और यहाँ पर सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, मैं यहाँ आपको ट्रांसलेट करके आपको दिखा रहा हूँ हिंदी में, जो दोस्तों आपको जानकर बहुत ही मतलब खुशी लगेगी, जो आपको जानना भी जरूरी है दोस्तों। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, NFR जोन प्रभारी यहाँ पर दिया गया है रंगिया, सॉरी विषय पर यहाँ देख भालुकवंग में तत्काल शिफ्ट वार परिचालन शुरू करने के लिए आवेदन। तो उधर हेमवते जो गोदाम है, 3-4 गोदाम ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पर ये होने वाली है। और दोस्तों अभी आप और भी देख पा रहे होंगे कि अनुमति के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहा है टीम शुरू करने के लिए, तो उपरोक्त उल्लिखित गोदाम में आवश्यक व्यवस्था करें, इसलिए मैं आपको लोडिंग और अनलोडिंग कार्यों के लिए अतिरिक्त श्रमिकों के तैनात करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश देता हूँ। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त श्रमिकों को BRMGSS अधिकारी पोर्टल के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए और उनके QR कार्ड को ई श्रम कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए। हमारा संघ निश्चित है कि श्रमिकों को वृद्धि से रूलवेज को बेहतर और कुशल सेवा मिलेगी और NF के तहत दैनिक वेतन होगी, श्रमिकों के कल्याण में हमेशा वृद्धि होगी। रेलवे इसके अलावा हमें इस परिवर्तन के दौरान सुरक्षा समय की पाबंदी और ग्राहक संतुष्टि के उत्तम को बनाए रखने के लिए समर्पित कराना चाहिए। आम परिवर्तन के इस अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों और हितधारकों के सहयोग और समझ की सराहना करते हैं। और भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे महत्वपूर्ण नोट, श्रमिकों के लिए नए नियम और निर्देशों के एक प्रति इस पत्र के संलग्न है। BRMGSS जोनल कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि श्रमिकों और नए प्रशिक्षकों के संघ के संविधान और लिखित नियमों और निर्देशानुसार का पालन करना होगा, इसलिए कार्यस्थल पर स्थानांतरित होने के पहले श्रमिकों को और प्रशिक्षकों का घोषणा पत्र हस्ताक्षर करना होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अगर वीडियो बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।